आज अगर ट्रकिंग नहीं है, काम पे नहीं है, तो कोई बात नहीं यार। हम भी टिम हॉर्टन से कम थोड़ी हैं, हम भी अपना हॉर्टन बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कॉफ़ी पियेंगे और ठंडे ठंडे बरसाती मौसम को एंजॉय करेंगे, आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। आज भी पूरा दिन घर पे ही था, काम नहीं मिला। कल का ट्रिप है रेक्सटन का, यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन वो तो कल सुबह ही जाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आए हैं कनाडा के एक और छोटे से खूबसूरत से शहर में, जिसका नाम है रेक्सटन। यहाँ पे एक वेयर हाउस है, लोड उठाने आया हूँ। ये कोई मिट्टी है मेरे ख्याल है, मिट्टी, ये जो गार्डन वगैरह में डालते हैं पौधों के लिए। तो यहाँ पे जो फोर्कलिफ्ट में लोड कर रहे हैं लड़के, ये सारे फिलिपिनो हैं। मैंने देखा है यहाँ पे तकरीबन 4 के 5 लोग हैं, जिनमें से एक ही है कोई बाहर का, यहाँ का लोकल या कोई और, लेकिन बाकी सारे जो वो फिलिपिनो हैं। तो फोर्कलिफ्ट जो है वो भी, उसकी जॉब्स भी आती रहती हैं, अच्छी एक स्किल है। अक्सर वेयर हाउसेस में ये फोर्कलिफ्ट होता है, दुबई, सऊदी, जहाँ जहाँ भी वेयर हाउसेस हों तो फोर्कलिफ्ट होता है वहाँ पे। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रा सीख लें फोर्कलिफ्ट भी, मेंशन करते हैं उसको सीवी में। वैसे मैंने भी सीखा था, हमारा वेयर हाउस था सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया में दमाम, वहाँ में गया हुआ था एक दिन ना वेयर हाउस में। एक नेपाली लड़का था, मैंने उसको कहा कि यार थोड़ा सा मुझे इसको ज़रा बताओ कैसे चलता है। उसने बताया, मैंने 2-4 मिनट चलाया, एक वीडियो बनाई एज अ प्रूफ, क्योंकि लाइसेंस तो आप ले नहीं सकते, लाइसेंस के लिए फिर प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, और मुझे इतना वो करना नहीं था। मैंने बस सीवी में लिख के सीवी को ज़रा अच्छा सा बनाना था कि भाई फोर्कलिफ्ट भी आते हैं। हालांकि यहाँ के ट्रक ड्राइवर का फोर्कलिफ्ट के साथ कोई वास्ता नहीं होता, फोर्कलिफ्ट एक अलग प्रॉपर एक जॉब है, ट्रक ड्राइविंग एक अलग जॉब है। ट्रक ड्राइवर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फोर्कलिफ्ट चलाए। हाँ, बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है कि कोई छोटी कंपनी हो जिसके पास अपना फोर्कलिफ्ट भी हो और ट्रक भी होता है, तो उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि फिर ऐसा बंदा देखते हैं कि जिसको फोर्कलिफ्ट भी चलाना आता हो और ट्रक भी चलाना आता हो, ताकि वो खुद ही अनलोड करे, एक और बंदा हायर ना करना पड़े, क्योंकि काम ज़्यादा होता नहीं है। तो एक ट्रक लोड करने के लिए दिन में 1-2 ट्रक लोड करने के लिए एक पूरा बंदा कहाँ से वो रखेंगे। तो इसीलिए अगर आपके आसपास है अपॉर्चुनिटी आपको, तो ज़रूर सीखिए, ऐसे भी हुनर है, काम आता है। यहाँ से बाहर जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि कहीं पार करके एक दरिया सा है, छोटा सा क्रॉस कर रहा है शहर के बीचों बीच, शहर रेक्सटन के बीचों बीच, तो कोशिश करूँगा कि वहाँ रुक के मेरा भी दिल्ली के ज़रा जाऊँ, घूमूँ और आपको भी घुमाऊँगा, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत पुरसकून सा शहर, इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन कमाल की लोकेशन है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आके, हाईवे से नहीं आया, अपने सिटी से निकल के, हमारा जो ट्रांस कैनेडा है वहाँ से आधे घंटे के बाद में ऑफ हो गया था। एक जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था, वहाँ से आया हूँ। अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, जंगल के बीचों बीच दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त और कहीं छोटे छोटे घर, फिर जंगल, फिर घर, फिर जंगल, फिर कहीं छोटे से टाउन सेंट क्विंटिन वगैरह से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। 5 घंटे की ड्राइव थी, तो यहाँ से लोड किया, फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा रास्ते में बारिश होती रही, लेकिन हम तो रुकते नहीं हैं, बारिश हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोड माशाल्लाह ठीक होते हैं, साफ़ सुथरे रोड होते हैं। बस यहाँ पे है ज़रा कीचड़, ये देख रहे हैं,
ये हलवा बन चुका है, हलवा, सोहन का हलवा सुना होगा आपने पाकिस्तान में, सोहन का हलवा, ये वो हलवा बन चुका है। ये सामने स्टॉप लगा के गए हैं ये, क्योंकि लोड हो रहा है पीछे, ये फोरक्लिफ्ट से उठा के यहाँ सामने रखा है, ये जब हटाएंगे तो फिर ही जाएंगे। अच्छा, फॉर देयर सेफ्टी। एक और बात बताऊं आपको, मुझे बताने में शर्म नहीं आएगी, ये देखें मैं रिवर्स कर रहा था, रिवर्स में मेरा ध्यान ज़रा हट गया और मैंने ये जो कॉर्नर है इसको ट्रक मार दिया पीछे टायर, हालांकि जगह तो बहुत बड़ी थी। वो जो डॉक है, ये टायर है जो ये डॉक है, डिस्पोजेबल डॉक है, वहाँ पे लगाना था, तो मैं रिवर्स करते हुए ध्यान मेरा कहीं और चला गया और मैं नहीं देखा इसको और लगा दिया। जैसे ही लगा मैंने यहाँ शीशे में देखा तो ये जो ये बोरियाँ हैं ये बिल्कुल शीशे के ऊपर आ गई। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक लगा कर फिर आगे ले गया, तो ये बंदा आया तो था, देख के चला गया, अभी देखें क्या होता है। कुछ कहा नहीं मुझे, आई थिंक बस थोड़ा सा पेपर ही घुमाएंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा मिट्टी है यार, कौन सी सोना है, लेकिन भाई यहाँ का कोई पता नहीं होता, बस आई होप कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ जगह बहुत तंग हो ना तो वहाँ इशू ज़्यादा नहीं होता, अक्सर आपने नोट किया होगा अपनी लाइफ में भी कि जब आप अपनी किसी भी मकसद को, किसी भी जॉब को, किसी काम को जब आप सीरियस लेते हो ना तो उसमें गलती नहीं होती। लेकिन जगह अब जैसे जगह बहुत ज़्यादा थी, मैं बेफिक्र होकर चला गया तो देखें लग गया। यही होता है कि कभी भी किसी चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए, कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी टारगेट, उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, सीरियस होके, आराम, इजी नहीं होना चाहिए। काफ़ी जगह ऐसी होती हैं बड़ी तंग होती हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि बहुत तंग है तो हम पूरा फोकस उस पर रखते हैं और उसको बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जगह थी, देखे ना कितनी जगह है, वो बोरियाँ और ये बोरियाँ, तो मैं आराम से आगे जाके, आगे भी जगह बहुत थी लेकिन वही है, बस मैं ध्यान कहीं और था। चले जी कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हाँ जी, तो फाइनली लो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन मुझे होगी थोड़ी सी देर क्योंकि फर्स्ट टाइम था यहाँ, रास्ता भी मालूम नहीं था और ऑफिस से निकलते निकलते ब्रेक चेक होता है उसमें आधा एक घंटा लग गया, तो 3:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो जो गौरी औरत है उसने अभी कहा कि नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि 3 बजे आ जाओ, नहीं तो आपको फिर यहाँ रात सोना पड़ेगा। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह 2 बजे आ जाऊँगा और थैंक यू वेरी मच, मेरी बचत हो गई, नहीं तो रात यहाँ सोना पड़ता भाई, क्योंकि लेट हो जाओ तो फिर जाहिर बात है ये लोग चले जाते हैं, 4 बजे बंद हो जाते हैं। आधा घंटा था लेकिन शुक्र अल्लाह का हो गया। अभी निकलते हैं, सबसे पहले कॉफ़ी की तलाश में, देखते हैं कि कॉफ़ी की लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पे लेकिन उससे पहले देखेंगे ये पीले पीले फूल, सुबह से वहाँ से बारिश हो रही थी भर भर के। चलते हैं मैप में देखते हैं पहले कॉफ़ी और सिटी में रुकने की कोई जगह, फिर वहाँ पे थोड़ा सिटी में घूमेंगे इंशाल्लाह। यार सिटी में तो पार्किंग नहीं मिली, अब हाईवे पे रुके हैं, कॉफ़ी लेंगे लेकिन
कुछ गड़बड़ लग रही है, लीक लीक कुछ मेरे ख्याल है। ये क्या हो गया, ये क्या है, ब्रेक लगाई थी वहाँ से हाईवे से उतरते, सामने गाड़ी आ रही है ना, तो स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते पूरी हवा ख़त्म हो गई, इमरजेंसी सायरन ऑन हो गया था। क्या है प्रॉब्लम, यार वो कहाँ से नजर आ रहा था उस तरफ से, एक थी ना पाइप प्लास्टिक का। भाई लोगों लगता है कांड हो गया है ये पाइप से, पाइप से हवा आ रही है यार, कहाँ से निकला ये, यार क्या करें अभी, इसको फोन करना पड़ेगा कंपनी। मैं कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है लेकिन लगता है कि आज टाइम लगेगा, लोकेशन भी है थोड़ी सी दूर, तो इस खूबसूरत टाउन में गुजारेंगे कुछ घंटे, तो चलते हैं पहले टिम होटल की कॉफ़ी पी लेते हैं तब तक वो लोग आ जाएं, क्योंकि अभी इस तरह तो मूव हो नहीं सकते, एमरजेंसी सायरन और लाइट भी आ गई थी, इसका मतलब है कि एयर लीक कर रहा है प्रॉपर, ड्राइव नहीं कर सकते। कंपनी को फ़ोन किया तो कहते हैं कि कोई उठा नहीं रहा आसपास, सर्विस वाले मैकेनिक जो हैं इस एरिया के, तो कह रहे थे कि रात ही रुकनी पड़ेगी, सुबह फिर आ जाएंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो दो फरिश्ते भेजे, फ्रेंच फरिश्ते थे गोरे, उन्होंने मैंने कहा कि यार ये ज़रा देखो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें क्या करें, तो वो आए, ये जो पाइप है ये टूल लेके ये तो फिक्स कर दिया, लेकिन वो जो बलून है ये वाला, ये फट चुका है, नहीं आई थिंक ये वाला नहीं, जो सेंटर में इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी ट्रेलर जो है ऊपर आ चुका है, ये टायर को टच नहीं कर रहा, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता हूँ। वहाँ तो पहुँच जाए, ये जो है ये वाला, ये इसकी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे फटाई है, तो चलो एयर प्रेशर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, एयर प्रेशर तो है, देखते हैं क्या होता है, जो सोना नहीं है यहाँ पे, घर ही सोना है। ऐसे अच्छी जगह थी, टिम होटल भी था यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जगह है, ना हाईवे होता है ख़तरनाक अगर हाईवे पे ख़राब हो जाए तो, क्योंकि बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो ज़रा डर लगता है कोई आके पीछे लग ना जाए बस, लेकिन चलते हैं। ये सामने घर देखें, घर ये घर है, घर के पीछे इतना बड़ा यार्ड है, घास है, क्या माशाल्लाह घर है यार। अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं, प्रेशर भी ठीक है, काम हो गया है लगता है, कहीं जाना नहीं है किसी मैकेनिक के पास, डायरेक्ट ही कंपनी में जाएंगे। फिलहाल ये बाथोरस्ट में पहुँचे हैं, बाथोरस्ट सिटी है, यहाँ पहुँचे हैं, टिम होटन की ज़रूरत है, चलाते चलाते थक चुके, बारिश भी हो रही है, चलते हैं टिम होटन लेते हैं, पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बारिश हो रही है लेकिन मोबाइल निकाला है स्पेशली आपको ये मॉन्स्टर दिखाने के लिए, बला जिसे कहते हैं, बला उर्दू में बला, ये है देखो बला,
यार माशाल्लाह, ये वही ट्रक है यार कैनवर का, इतना बड़ा है यार। चलो यार रखता हूँ, वो सामने टिम हॉर्टन है, वहाँ चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं भाई। कॉफ़ी यार, कॉफ़ी की ही खुशी होती है बार बार, बस इन तन तनहा रास्तों पे चलते चलते। ये सामने है एटलांटिक होस्ट, मालूम नहीं कोई शॉपिंग सेंटर है या फिर होटल है, काफ़ी बड़ा है एटलांटिक होस्ट। पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, बस ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े घर हैं, खूबसूरत खूबसूरत से घर हैं, लेकिन लोग नहीं हैं उनमें। अगर लोग होते ना यहाँ पे ज़्यादा, तो इस जैसी जगह को नहीं होनी थी, बस लोग नहीं हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। थोड़े बहुत लोग होते हैं, वो आते हैं इधर बैठे हुए टिम हॉर्टन में, कॉफ़ी शॉफी पीते हैं, शाम को गपशप लगाते हैं, होते हैं बस एजिड हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं ज़्यादातर। बारिश तो हो रही है, लेकिन ये मेपल लीफ के नीचे खड़ा हूँ ताकि पानी से बच सकें। ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पे आए हुए लोग टिम हॉर्टन पे ज़रा गपशप लगाने। अंदर पूरे भरे हुए थे लोग, मैंने वीडियो भी बनाई थी छोटी सी थोड़ी सी। और ये सामने जो ये होटल है यहाँ पे, क्योंकि लंबी लंबी ड्राइव होती है, तो आसपास कोई ऐसा खास मेरे ख्याल से होटल शोटल नहीं था, तो सब लोग यहाँ आए हुए हैं रेस्ट करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो पॉइंट्स भी कम हैं, तो ज़्यादातर लोग फिर यहाँ आ जाते हैं, ये टिम हॉर्टन है, टाइम स्पेंड करने शाम को। देख रहे हैं आ रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कम्युनिटी बहुत बड़ी चीज़ है भाई यार। बारिश हो रही, चलते हैं सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना। ऐसे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।